हाय एवरीवन, दिस इज योर नईम के रिएक्शन चैनल। सो गाइस, क्या हाल है सबको, मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सो आज का जो वीडियो है जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, वो आप तो जानते ही हैं कि माय फेवरेट क्वीन कौन सी है। तो रविका खान का वीडियो है, वो फोटोशूट है उनका एट होम, तो उनका फोटोशूट देखते हैं। और फोटोशूट फुल आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैंने भी पहले नहीं देखा, आपके साथ मिलकर देखना है। अगर आपको इनका फोटोशूट और मेरी बातें और इनका जो व्यू और लुक अच्छा लगे, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि रविका जी इज द बेस्ट वन। सो टाइम को जाया नहीं करना, इनकी वीडियो देखते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। जो आज के YouTube वीडियो है ना, वो है सारा फोटोशूट पे बेस्ड, क्योंकि आज फाइनली काफी दिनों बाद मैंने टाइम निकाला है अपना इंडोर फोटोशूट के लिए, और काफी दिनों से मैं पोस्टिंग भी नहीं कर रही थी सही तरीके से। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज रिस्क ले लिया जाए और चार पांच शूट करवा लिए जाए। तो आज मैं गई हूँ, तो आइए कुछ BTS हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। बट एक शूट मेरा ऐसा हुआ है, वो इतना बॉम्ब शूट हुआ है, वो सारा क्रेडिट जाता है मुझे और सारा क्रेडिट जाता है उनको जिन्होंने फोटो शूट किया, अनएसएसजी भाई को। उन्होंने मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त फोटो शूट किया है। आई होप कि पिक्चर्स बहुत ही जल्द आए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को देखने को मिले, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने किसी की कॉपी की है। वो आप लोग देख लेंगे, और जब पिक्चर्स अपलोड होंगी तो आप लोग उसको बहुत सारा प्यार बरसाएंगे, पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैंने किसकी कॉपी की है। वैसे तो वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये ट्राई किया जाए। तो वो आप उसके BTS देखें और पिक्चर्स आप लोग को देखने इंस्टाग्राम पे। तो आइए दिखाते हैं। अच्छा, हमेशा की तरह रबिका जी आज भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं, ब्यूटीफुल लग रही हैं, और आज का जो मेकअप इनका वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से कि बहुत डल सर, मतलब लाइट कलर का है, और इतना मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही क्यूट लगती हैं। फोटोशूट भी बहुत टफ चीज़ है यार, अगर आप देखा जाए तो एक ही जगह पे स्टिल रह के देखना होता है कि कौन सी पिक्चर कब कैसी आ रही है। तो थाउजेंड ऑफ पिक्चर या हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स के बाद जाके कोई एक शूट जो है ना, वो बहुत क्यूट बनता है। तो ऑलमोस्ट मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत एक टफ जॉब है, तस्वीरों के साथ खेलना और फिर उनमें से सिलेक्शन करना, फिर उनको कंपोज करना एट द एंड। वाओ माय गॉड। तो ये ब्राइडल जो शूट है, ये भी लुकिंग सो गॉर्जियस यार। योर रबिका जी इज ऑलवेज बेस्ट। ये चीज वैसे मैं इस चीज के तो खिलाफ हूँ, इस चीज के अब मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन सो क्यूट, लुकिंग सो गॉर्जियस। और अच्छा, ये एक ना मुझे लग रहा है, वैसे मैंने जब जैसे कि देखा कि जो फेरी गर्ल्स होती हैं ना, वैसी लग रही हैं, ड्रेसिंग भी कमाल की है। वाह। अच्छा, रूटीन में ना जब ब्राइडल होती है ना, जब शादी कहीं हो रही होती है, तो बाद में उसका जो बुरा हाल होता है, इस तरह की पिक्चर्स ले ले के ले, तो बेचारी भी तंग आ जाती हैं कि यार ये इतनी सारी तस्वीरें क्या हैं। फिर उन 50 या हज़ार या 100 तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें सिलेक्शन होती हैं, और वो उनमें से जो कमाल्स की होती हैं, वो ये देखें भाई, पिक्चर शूट होने के बाद वो खुद चेक कर रही है कौन सी प्यारी है कौन सी नहीं है। ओह माय गॉड, ये वाला शूट तो बड़ा कमाल की पिक्चर होने वाली है, और मैं 100% श्योर हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये ड्रेसिंग में इनकी कमाल की लुक आती है। आई थिंक ये मैरून कलर है, और मैरून कलर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जचता है, वाइट मैरून येलो ब्लू और एक और कलर है ब्लैक।
जबरदस्त। अच्छा कुछ पोज ऐसे होते हैं जो बार बार हम तस्वीरों में लेके आते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि यार हम किसी की कॉपी कर रहे होते हैं। बेसिकली उस पोज में आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो और वो पोज आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है तो आप वो बनाते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देखे और कहे कि यार ये ही पोज में इतनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स होती हैं। नहीं, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही होती है जिस पोज में, आपको वो पोज कई एंगल से बना लो, कोई इश्यू नहीं है। पिक्चर बनाना भी एक आर्ट है ना। वाओ, कैमरा कैनन का, मैं कैनन का ही है ना। हाँ कैनन कैमरा यूज किया हुआ। इतनी टफ जॉब है ना। और जब आपको एक स्टिल चीज को देखने को टाइम, वो देखने को जब टाइम से टाइम निकाल के स्टिल को देखते हैं ना, तो मेरा ख्याल कि आपकी आंखें दंग की दंग रह जाती हैं कि यार इतनी लुक प्यारी। ये कमाल होता है कैमरामैन का ही है कि वो किस एंगल से देखता है कि वो सामने वाला पर्सन कैसा लग रहा है। तो ओवरऑल जो है ना, सारा क्रेडिट तो जाता तो उसको ही है, लेकिन तस्वीर में अच्छा लगने वाला जो एक होता है पर्सन, उसका भी तो क्रेडिट है कि अल्लाह ने उसको इतनी खूबसूरती दी है, इस काबिल बनाया है कि वो तस्वीर में तो क्या हर एंगल से बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ड्रेसिंग भी अच्छी की हुई है इन्होंने इस दफा, बल्कि ऑलवेज इनकी ड्रेसिंग बेस्ट होती है। ओह माय गॉड, ओह आई थिंक योर फोर्थ चेंज है। अच्छा वैसे मैं सारा क्रेडिट देता हूँ इस भाई मेकअप वाले को, कमाल का मेकअप करता है रबीका जी का, और ग्रेट मेकअप है। ये कैसा स्टाइल है, हम अनजान लोगों को क्या पता यार। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस वन कि मुझे, मैंने पहले कभी इस तरह का शूट नहीं देखा, और ये इस एंगल से क्या मतलब कोई कलर वगैरह आता होगा पिक्चर में इस तरह से। वैसे ये एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, आप अपने घर पे बैठ के मतलब इसको इजीली नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब हम सोचते नहीं हैं कि यार कितनी प्यारी है, बस ऐसे ले लेते हैं, लेकिन वही तस्वीर लोगों के दिलों को क्लिक कर लेती है। तो मतलब कि कभी भी किसी भी वक्त आपकी कोई भी चीज़ वायरल हो सकती है अगर आप इंटेंशनली या अन इंटेंशनली वो चीज करते हैं। तो देखिए आप लोगों ने कितना ज्यादा प्यारा शूट हुआ है मेरा, और फाइनली काफी अरसे बाद इतना प्यारा शूट मैंने एंजॉय किया है, और एक ही दिन में बहुत सारी पोस्टिंग निकल जाएगी। तो इस वीडियो को भी बहुत सारा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार बरसाएं, लाइक कमेंट शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक सरप्राइज भी आने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो न्यूज़ सुनने के बाद आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। लाइक माय वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट। जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आपको इनकी वीडियो और ये बिहाइंड द सीन कुछ फोटोग्राफ जो किए हुआ है, एक्टिंग अगर आपको पसंद आई हो, और तस्वीरें तो अपने इंस्टाग्राम में देख ही लेनी है। होपफुल इनकी वीडियो और इनकी पिक्चर अगर आपको अच्छी लगी, और इनका ये बोलना अगर आपको सो क्यूट लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और वन मोर थिंग इज दैट,
थैंक यू सो मच, आप मेरी ऑल ऑफ वीडियोस पे मुझे इतना मतलब प्यार देते हैं, वो प्यार चाहे थोड़ा सा भी है लेकिन अगर वीडियो को देखते हैं तो देखने वालों को मेरी तरफ से दोनों हाथों से सल्यूट है। और नेक्स्ट इसी तरह देखते रहिएगा, स्टे ट्यून, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।